गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2। तो अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बेसिक चीज पढ़ी है इंटीग्रेशन के अंदर, बेसिक की इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। हमने स्टार्टिंग पढ़ा है कि एक्स रेज टू पावर एन, वेरिएबल रेज टू पावर कॉन्स्टेंट आई, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक पावर एड कर देते हैं उसके अंदर और डिनोमिनेटर में सेम आ जाता है प्लस में सी। ये सी इसलिए मैंने बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस में सी आएगा। ओके, अब बात ये थी कि वेरिएबल का जो बेस है उसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन, और वो कहाँ आएगा, अपॉन में। वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, मीन्स यहाँ ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है, क्या हो लीनियर फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा लीनियर का। अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, इसका मतलब वो अपॉन में नहीं आ सकती। ये बातें हमारी फर्स्ट लेक्चर में हो गई थी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसमें जो नई टाइप इंटीग्रेशन। अब जो हम कर रहे हैं जो इस एक्सरसाइज 7.2, इसके अंदर दो चीजें हैं। कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स या इंटीग्रेशन एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स, ये दो ध्यान से सुना, ये दो बातें क्या लिखी हमने, सारा का सारा सेकंड एक्सरसाइज इन पे बेस्ड है। इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट कैसे करते वो देखिए, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट के अंदर दो बातें बताई मैंने, क्या क्या, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन इंटू उसका डेरिवेटिव डीएक्स या डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन, ये दो बातें इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा कैसे होगा सारी चीजें देखिए। अगर कभी भी ऐसा दिख जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, या इसका कुछ ले लेते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स, ये एग्जांपल ले लिया। अब हम देखेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स है या कोस का डेरिवेटिव साइन एक्स है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स है। एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स है, और कोस एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स। ये टाइप बन रही है, नहीं बन रही है। वैसे तो आपको मैंने बताया है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, क्या आ जाए, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या होता है, हम अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज मैं क्या कर लूं, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्या करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या, कोस, तो कोस एक्स अपॉन में क्या आ गया, साइन एक्स। तो ये फॉर्म बन गई या नहीं बन गई, कैसे करते, मैंने पहले आपको जो पिछला वीडियो था उसमें पुट करना थोड़ा सा बताया था, फिर वापस सुनिए। इंटीग्रेशन में कभी भी किसी भी चीज को पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव करना 100% जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या रीजन है, वो यहां बताऊंगा। जैसे ये तो एग्जांपल दिया, इसको एक बात भूल जाएगी, पुट एफ एक्स को हमें टी पुट करना है, किसको पुट करेंगे, हमेशा फंक्शन को, ऑलवेज, मेरी बात सुनना, कभी भी आपको क्या मिल जाए, फंक्शन इंटू उसका डेरिवेटिव मिले तो हमेशा किसको टी पुट करोगे, फंक्शन को। दूसरी बात, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन मिल जाए तो यहां पे भी किसको टी पुट करोगे, फंक्शन को, पुट एफ एक्स को क्या पुट कर दिया, टी। जब भी इंटीग्रेशन में ऑलवेज के लिए कंडीशन बता रहा हूं ये मैं, ऑलवेज के लिए, अगर फंक्शन का टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव जरूर करेंगे, 100% करेंगे। कैसे करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या क्या है, एफ डैश एक्स। अब एंगल का तो करते हैं, एक्स का वापस क्या बन, टी का डेरिवेटिव बी टी बाई डी एक्स, यहां तक ये बात समझ गई या नहीं, फिर वापस सुन लीजिए, मैंने कहा फंक्शन को टी पुट कर दिया, हमें जब भी पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव करना 100% जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसका रीजन दूंगा, जैसे मैं वो रीजन दे ही देता हूं, फंक्शन को क्या पुट कर दिया, टी, इसका मतलब यहां टी आ गए तो यहां क्या आना चाहिए, डी टी कब आएगा, डी टी आएगा कि भैया डी टी डी एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डी टी में, तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सारे की सारी टर्म्स टी में आएंगे, डी टी आएगा तभी तो इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज
इस dx को इस साइड देंगे, f dash x dx equal to d। अब देखिए f dash x dx की वैल्यू क्या है, देखिए कोई दिक्कत इस स्टेप पे। अब फंक्शन हमारा किसने आ गया t में, और यहाँ क्या हो गया dt। अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन t की पावर कितनी है, 1, t की पावर 2 बाई 2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या आप करेंगे, fx, तो क्या बन गया fx का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं, क्लियर स्टूडेंट, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ क्या किया fx को t, और मैंने कहा कि उसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, f dash x dx equal to dt। अब f dash x dx की वैल्यू क्या है, dt, और 1 by fx की वैल्यू क्या, t। 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod t, log of mod t plus c, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, fx log of mod of fx plus c। बोलो समझ में आया नहीं, क्लियर। तो इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड भी सुन करेंगे, ये हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन करने का मेथड है, क्लियर। दो चीजें देखनी है। अब तुम यहाँ पे एक बात कहोगे, सर एक चीज और बताओ, क्या बाय चांस ऐसा आ जाए तो इंटीग्रेशन fx अपॉन f डैश x dx, क्या ये भी फॉर्म बनेगी, नहीं ये फॉर्म नहीं बनेगी। आप कहेंगे क्यों नहीं बनेगी सर, ये बताओ ये फॉर्म क्यों नहीं बन सकती, जब ये बन सकती है तो इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि इनको आगे पीछे लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये क्यों नहीं बन रही है, ये इसलिए नहीं बनेगी, जबकि फंक्शन को टी पुट करेंगे हमें क्या चाहिए, f dash x, f dash x, इसका मतलब f dash x को हमेशा इनटू में आएगा, कभी भी अपॉन में तो आएगा ही, कभी भी अपॉन में तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब हमेशा फॉर्म क्या बनेगी, f dash x न्यूमरेटर में होगा, डेरिवेटिव कहां होगा, तो फंक्शन कहां होगा, डिनोमिनेटर में होगा, क्लियर। देखिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, इस पे भी बेस्ड दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं, इस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं, तो ये फॉर्म क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन log x / x dx। अब आप कहेंगे मिल गई सर, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे, बट आपको देखने में गलती हो रही है, ध्यान से देखोगे तो क्या हो रही है, फंक्शन तो ऊपर है बट इनटू में 1 / x है भैया, ये नहीं आई मेरी बात समझ में, अपॉन में नहीं था ये, x से log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 / x, तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव है या नहीं है, fx इनटू f डैश x, किसको t पुट करेंगे, fx को पुट, fx को t पुट कर दिया, मींस log x को क्या पुट कर दिया, t, तो 1 / x dt / dx, तो dx इधर ले आया, dt इधर ले आया, तो 1 / x dx की जगह तो क्या आ गया dt, और log x की जगह क्या आ गया t, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा t स्क्वायर / 2 + c, t की वैल्यू क्या पुट करोगे, log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 + c, क्लियर। इसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं आप, अगर यहां पे पावर 3 करना चाहिए तो भी, हमें तो ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है एग्जैक्ट, पूरा फंक्शन ही, हमें ये देखना है कि कोई अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बन रहा है नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमने log x को t पुट कर दिया तो यहां क्या बचेगा t क्यूब, यहां क्या आएगा t क्यूब, t क्यूब का इंटीग्रेशन करते हैं क्या, t की 4 / 4 + c और t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने sin x cos x का बताया था, जैसे sin x / cos x dx, साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है कोस, अगर यहाँ साइन क्यूब एक्स होता तो भी साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, अगर यहाँ साइन की पावर 5 होता 4 होता 8 होता कितनी पावर हो, हमें तो क्या देखना साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, तो हमें फंक्शन हमारा क्या माना जाएगा साइन एक्स, तो पुट कर दिया साइन एक्स को क्या पुट कर दिया टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या क्या है कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये डी एक्स को इधर लाता हूँ ऑलवेज, क्यों यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स था और dx को इस साइड ले आया करूंगा, अब cos x dx की जगह तो क्या आ गया dt और t क्यूब, अब इसके इंटीग्रेशन आप कर लेंगे क्या होगा t की 4 / 4 + c और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे sin x, तो ये फॉर्म समझ में आई है नहीं, मैंने कौन सी फॉर्म कराई है ये आपको कराई है दो टाइम, कौन कौन सी, अगर fx / f dash x या
f dash x upon fx, अगर ये आ जाए तो हमेशा हमें क्या करना है, फंक्शन को t पुट करना, हमें ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है, कि पूरे फंक्शन में से किसको t पुट किया जाए कि उसका डेरिवेटिव बन जाए। हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, इनको रफ कर देता हूं, देखिए देखिए बुक ले लेता हूं। जैसे अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहां ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन बनेगा, कौन सा डेरिवेटिव। देखो 99% तो डायरेक्टली अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख जाए तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया था, फंक्शन होता है, ऊपर वाला क्या होगा डेरिवेटिव। चेक करो क्या 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम कोई एक चीज और बताओ सर, अगर यहां ना होता हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट जो भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे कैसे सर बताइए, 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो क्या आ रहा है 2x, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वेरिएबल चाहिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x, तो मिल जाएगा x क्यूब दिख जाएगा, क्या चाहिए x स्क्वायर, x की 8 दिखे तो क्या चाहिए डेरिवेटिव में x की पावर 7। कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर लेंगे, कांस्टेंट हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कैसे एडजस्ट करेंगे। पुट 1 प्लस x स्क्वायर को हमने क्या कर दिया थी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, x स्क्वायर का 2x, उधर dt / dx, अब dx को ऑलवेज इस साइड दिया करेंगे, देखिए अब 2x dx की जगह तो आ गया भैया dt और 1/t, 1 प्लस x स्क्वायर की जगह 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log of mod t plus c, t की वैल्यू क्या है log of mod of 1 plus x स्क्वायर plus c। ये बात क्लियर समझ में आई है, उसी मेथड से जो मैंने अभी टाइप बताई थी आपको उसी मेथड से क्वेश्चन कराया। सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्वेश्चन करा दिया था, log x cube by x, तो log x को t पुट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पता ही चल रहा है, देखिए x plus x log x dx, ये क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। अब हमें यहां पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, हमें कैसे पता चले। देखिए log x कभी भी दिख जाए तो तुम्हें इनटू में 1 by x तो दिखना ही दिखना चाहिए log x के साथ। हम देखेंगे x तो नहीं दिख रहा इनटू में, बट हां x कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या काम बन गया, क्या किया 1 by डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लिया। क्लियर स्टूडेंट, अब यहां से क्लियर हो गई हमारी बात क्या, कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस log x को t पुट कर देंगे तो 1 by x उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। कुछ 1 प्लस log x को हमने क्या पुट कर दिया t, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x dx इक्वल टू क्या आ dt, तो 1 by x dx dt की dx की जगह आ गया dt और अपॉन में t। अब 1 by t का इंटीग्रेशन क्या हुआ log of mod t, t की वैल्यू क्या है log of mod of 1 plus log x plus c, क्लियर या नहीं। तो इस टाइप के इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस एक्स लॉग साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स डीएक्स,
अब यहां से देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि किसको टी पुट करें, हमें तो वही चीजें देखनी है कि कौन सा फंक्शन किसको टी पुट किया जाए कि उसका डेरिवेटिव मिल जाए। मेन बात ये किसको टी पुट किया जाए, देखिए साइन को टी पुट करिए तो हमें कोस एक्स मिलना चाहिए। आपको अभी दिख रहा है कहां दिख रहा है, ये तो एंगल है, नहीं दिख रहा है, बट कोस एक्स को टी पुट करें तो साइन एक्स अलग से मिल रहा है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट, वापिस सुन लीजिए, अगर मैं साइन को टी पुट करता हूं तो कोस एक्स डी एक्स अकेला मिलना चाहिए, बट कोस एक्स डी एक्स तो नहीं मिल रहा, क्यों, ये तो इसका क्या बन रहा है, एंगल दिख रहा है। अब cos x को अगर मैं t पुट करूं तो sin x अकेला मिल गया sin x dx, तो पुट कीजिए क्या cos x को t पुट किया, अब पुट किया तो डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। अब हमें चाहिए क्या sin x dx, एक्स्ट्रा में जो भी है, बट माइनस नहीं चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसी को साइड लेंगे, sin x dx इक्वल टू माइनस का dt, क्या आ गया साइन कोस एक्स को क्या पुट कर दिया टी, और उसको साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस का कोस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी कोस एक्स, तो कोस और कोस एक्स प्लस सी, चलो बात क्लियर होगी या नहीं होगी। ओके तो एक क्वेश्चन और बता लेता हूं मैं यहां से, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि sin x into cos x, अब आपकी मर्जी है sin को टी पुट करना sin को टी पुट कर दीजिए, cos को करना cos को पुट कर दीजिए, सेम एज इट इज फिफ्थ क्वेश्चन है। तो यहां से आप कहोगे cos को कैसे कर सकते हैं सर, cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, मैंने तुम्हें यह कहा था कि उसको एडजस्ट कर लेंगे, किसको, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है या माइनस साइन है उसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे इसमें कि हमने ये एडजस्ट किया माइनस की, तो वहां से आपकी मर्जी है इस क्वेश्चन में कि साइन को टी पुट करते हो तो कोस डेरिवेटिव डायरेक्ट हो गया, कोस को टी पुट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है किसको टी पुट करें। तो सेम फिफ्थ क्वेश्चन एज इट इज है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, मैं बता देता हूँ, सुनिए दूसरा मेथड क्या है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला बन गया क्या 2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला होता है 2 sin x, sin 2x, तो sin 2 into x plus b, उसका एंगल जो भी है sin का डेरिवेटिव माइनस cos हो जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो सीधा हो रहा है, ax plus b की पावर कितनी है 1 by 2, अगर ax plus b की पावर कितनी है 1 by 2, इसका इंटीग्रेशन करना होगा क्या होगा, एक पावर ऐड होगी 3 by 2 अपॉन में 3 by 2, बेस का वापस करोगे तो क्या आएगा a, बेस का डेरिवेटिव किया ax का a अपॉन में आ जाएगा प्लस में c, आंसर आ जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, देखिए फिर 7th पे आएंगे क्योंकि 7th और 11th एक जैसे से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नजर आ रहा है कि किसको टी पुट किया जाए, मैंने कहा बड़ी पावर वाला एक पुट होगा टी, क्यों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 1 प्लस 2x स्क्वायर और बाहर है x, इसका मतलब हमें पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर हम टी पुट करें तो x उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और जो भी कांस्टेंट एक्स्ट्रा बच गया उसको एडजस्ट करेंगे। एक बार मैं करके बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन x इनटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने अभी बताया था आपको, जब भी मल्टीप्लाई में आप पूरे को टी पुट नहीं करना है, हमें तो ये देखना बाहर क्या पड़ा है x, इसका मतलब x स्क्वायर टी पुट होगा और उसके ऐड या सब्ट्रैक्ट में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू तो उसको साथ में लो, क्यों, हमें पता 1 को भी साथ में टी पुट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव या 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इसको साथ में ही देना है पुट, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया टी, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, 2x स्क्वायर का 4x dx equal to dt इंटीग्रेशन, अब x dx एक्स्ट्रा पड़ा है इसके अलावा,
और यहाँ पे 4 है तो 4 को एडजस्ट कैसे किया, 4 डिवाइड नहीं किया, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4। अब एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आ गया डी टी बाई 4, तो अंडर रूट में टी डी टी जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोफिशियंट जो भी आया है उसको कहाँ ले लेंगे हम बाहर ले लेंगे 1/4। तो 1/4 टी की पावर कितनी आ गई 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस। अब चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/12, तो 2/12 को क्या लिख सकते हैं 1/6, तो 1/6 से टी की वैल्यू पुट कर देते, टी की वैल्यू क्या है 1+2x² / 3/2 ये आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11, तो वो एक टाइप के क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब यहां पे आपको बिल्कुल ये अगर यहां पे x स्क्वायर होता तो इसमें साफ क्लियर पता था x स्क्वायर प्लस 2 को डी पुट कर देते क्योंकि बाहर क्या है x, बट यहां पे तो बाहर भी और अंदर भी दोनों की पावर सेम है। अगर ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में, कैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट x प्लस 3/4 ये 7th नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। वहां पे देखिए इनटू में अंडर रूट के अंदर और बाहर दोनों सेम है, यहां पे भी वही सेम चीज हो रही है, इसका मतलब दोनों में जो भी काम होगा होगा तो सेम ही। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसके दो मेथड है, या तो अंडर रूट के अंदर जो भी उसको टी स्क्वायर पुट कर दो, क्यों अंडर रूट हट जाएगा हमारा, वहां पे भी अंडर रूट के अंदर जो भी उसको क्या पुट कर दो टी स्क्वायर और वहां से काम कर दो, या दूसरा मेथड जो है वो बहुत ईजी है मैं उससे बता रहा हूं क्या होगा। अंडर रूट के अंदर क्या है x + 2, कितनी पावर है दोनों अंडर रूट हो कितनी पावर हो 3/2 5/2 7/2 कोई भी हो, बाहर भी वैसी चीज बनाओ, यहां पे क्या है x, तो बाहर बनाने के लिए प्लस 2 चाहिए तो प्लस 2 माइनस 2 कर दीजिए, क्या करें प्लस 2 माइनस 2 फिर वापस सुन लीजिए अंदर क्या था प्लस 2 है तो मैंने क्या किया प्लस 2 माइनस 2 कर दिया, अगर यहां माइनस 2 होता तो माइनस 2 प्लस 2 कर लेते, यहां पे x प्लस 2 की पावर 1/2 थी, कोई दिक्कत कुछ भी हो अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर वही सेम चीज बाहर बनाएंगे हम, क्योंकि कब बनाएंगे जब दोनों की पावर क्या हो सेम बाहर और अंदर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या हो जाती है एड, ये 1 और ये 1/2 कितनी पावर होगी 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर कितनी आएगी। लिए स्टूडेंट अब क्या है इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कैसे होगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और इसका बेस का वापस किया तो क्या आ गया 1 माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 3। अब क्या करो यहां 2/5 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, क्लियर आंसर आ जाएगा। अच्छा हो तो इसमें से x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं और ज्यादा सिंपलीफाई करना है या इतना छोड़ सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। सेम चीज यहां पे हो जाएगी, यहां पे क्या करेंगे मीन एवंथ में प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे सेपरेट कर देंगे, कैसे प्लस 4 कर दिया माइनस 4 कर दिया सेम उसी मेथड से जिसमें सेवंथ क्वेश्चन, अब सेपरेट कर देंगे x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट x प्लस 4 dx माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 की पावर 1/2 dx।
अब ये ऊपर तो पावर वन और नीचे क्या है वन बाई टू, ऊपर जाके क्या हो जाएगी वन बाई टू, और यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन बाई टू, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप इसको दूसरे मेथड जो मैंने बताया है उससे भी करो तो कर सकते हैं। क्या एक्स प्लस टू को क्या पुट कर देंगे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे यही बता देता हूँ, पुट एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर, अगर मैं टी स्क्वायर पुट कर दूँ, क्यों किया टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर x को कैसे एडजस्ट करें, x को भी तो एडजस्ट करना है ना, खत्म करना है, इसका डेरिवेटिव तो करो। डेरिवेटिव क्या हुआ, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 2t dt by dx। अब dx को इधर लिया है तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया 2t dt, हो गया एडजस्ट। अब बात आई x की, x की वैल्यू क्या हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 2। देखिए कि अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसकी सुनो, देखिए देखिए हमने इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं सेकंड को, इस मेथड से x प्लस टू को क्या पुट कर दिया टी स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का 2t और t का dt by dx, dx को बेस साइड ले 2t dt। अब देखिए क्या करते हैं, अब भाई इसकी भी जगह क्या आ गया t, अंडर रूट के अंदर x प्लस टू की वैल्यू t स्क्वायर पुट कर दी तो क्या बचा t, x की वैल्यू क्या है x की जगह कर दिया भाई x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2, अब बच गया dx, और dx की वैल्यू क्या है 2t dt, 2 बार ले दिया और t dt ये आ गया। अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो t स्क्वायर को अंदर लेके t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर लेते हैं, अब इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, t की 5 बाई 5 माइनस 2t की क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट क्या करोगे, t की वैल्यू t पुट करो, t की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट x प्लस 2 पुट कर देंगे, पर t की वैल्यू बाद में t की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू क्या आएगी यहां से अंडर रूट, क्यों 2 इधर है स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो गया अंडर रूट, तो x प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 आएगी, तो सेम के ही आंसर आ जाएगा जो ये आया, क्यों यहां 5 आएगा और उसकी वैल्यू 1 बाई 2 पुट करोगे तो 5 बाई 2 हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगी 3 बाई 2, तो सेम एज इट इज भाई आंसर आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, जो नेक्स्ट बच गया वो अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।